Short term liquidity. So it means there is long term liquidity also. So currently we are looking short term. For long term purposes, we have some other ratios which we are not going to discuss here because we are simply short term liquidity. Liquidity is a company ability to raise cash in short term to meet its obligation, cash flow working capital. Simply, current year, which operational cash flow is. फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसकी बात हो रही है कि एक साल के लिए जितना पैसा आपको चाहिए इज इट अवेलेबल टू पे ऑफ योर लाइबिलिटीज करंट रेशो इज़ करंट एसेट्स डिवाइड बाई करिटी दिस इज़ नंबर वन टोटल करंट एसेट्स डिवाइड बाई करेंट लाइबिलिटीज नॉर्मली हम इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करते जो बैलेंस शीट में करेंट एसेट्स की फिगर आती है और जो करंट लाइबिलिटी की फिगर है उससे डिवाइड कर देते हैं लेकिन समटाइम करंट uh, लाइबिलिटी में से हम कुछ निकाल भी लेते हैं मसलन अगर आपने लीज पर एसेट लिया हुआ है तो उस लीज़ के जो करंट पोर्शन पे करना है वो यहाँ से निकाल लेना है क्योंकि वो तो आपने लॉन्ग टर्म में ऐड करना है तो समाइम वी डू एडजस्टमेंट्स इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबलिटीज करंट रेशो में ये कंपनी एबिलिटी टू पे इट्स करंट ऑब्लिगेन यानी आपके एक साल के अंदर अंदर जो पेमेंट्स आपने करनी है शॉर्ट टर्म में वो पे कर सकते हो तो इट मीनस Our current assets should be greater than the current liabilities. And when they will fall due. Current ratio is a quick measure of the liquidity of a firm. It is an index of firms' financial stability. It is also an index of technical solvency. Those companies having current ratio problem, they will not survive. Usually, current ratio may टू और वन का रेशो होना चाहिए यानी डबल होने चाहिए आपके करंट एसेट अगर वन वन हो तो वो भी डेंजरस है और अगर कम हो जाए तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ ही नहीं कर पाएंगे एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया जनरल एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरियाज़ टू इज टू वन एज ए सैड डबल होने चाहिए आपके करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से और इसीलिए इसको एक बैंक रेशो भी कहते हैं अगर आप बैंक के पास जाते हैं और फंड्स अरेंज करना चाहते हैं वेरी फर्स्ट थिंग दे विल सी कि आपकी करंट रेशो क्या है क्या आप रेगुलरली इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे इट मीन्स दैट द करंट एसेट शुड बी डबल द करंट अनदर इमीजिएटली क्योंकि करंट एसेट्स में तो हम सब एसेट्स टोटल ले लेते हैं लेकिन एसेड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो में हम क्या करते हैं दो चीज़ें माइनस कर देते हैं टोटल एसेट्स में से टोटल करंट एसेट में दो चीज़ें माइनस करें नंबर वन द इन्वेंटोरी एंड नंबर टू दी प्री पेड एक्सपेंसिस क्योंकि देखिए प्रीपेड एक्सपेंसिस भी अवेलेबल नहीं टू पे वो तो ऑलरेडी पे हो गए और इन्वेंट्री को तो पे पहले उसको बेचेंगे फिर सीओल बनेगा फिर पैसे आएंगे तो इसलिए इस दोनों चीज़ों को माइनस कर दें बाकी जो करंट एसेट बचेंगे उसको आप करेंट लाइबिलिटी से डिवाइड करें और इसमें रेशियो में वेरी यूजफुल इन मैयरिंग द लिक्विड पोजिशन ऑफ द कंपनी इट मईर्स द कंपनी एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स करंट लाइबिलिटी क्विकली एंड इमीजिएटली यानी आप फर्ज़ करें आपके तमाम क्रेडिटर्स आ जाते हैं कि जी पैसे वापस करें तो आपके पास इतने होने चाहिए ये नहीं जी कि स्टॉक में पड़ा हुआ है पैसा नहीं कैश इतना अवे, अवेलेबल होना चाहिए कि आप उनको पे ऑफ कर सकें एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया इज़ जनरली वन इज़ टू वन यानी कम अज़ कम आपके पास कोई कैसेट इतने होने चाहिए कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कंपनी जो है उसकी वर्किंग कैपिटल में कई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए लेकिन अगर आप किसी वजह से आप सैलरीज फर्ज करें नहीं पे कर पाए एक महीने तो दैट्स अ प्रॉब्लम इसलिए कि आपके पास इतने पैसे होने ही चाहिए कैश की शक्ल में कि आप अपनी जो इमिजिएट लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे ऑफ कर सकें तो दैट्स इट इज वन वन इट मीन्स डेट शुड पोजेस क्विक एसेट्स ऑफ वन रुपी अगेंस्ट द करंट लाइबिलिटी ऑफ वन रुपी कम अज़ कम ये मिनिमम है कि इससे अगर ज़्यादा है तो बेहतर है लेकिन इतना तो होना ही चाहिए Thank you very much.